हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्या। एक बार फिर मेरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो बिजनेस वालों के लिए। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन या कार्गो का बिजनेस करते हैं उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन या कार्गो का बिजनेस करते हैं या फिर आप एम्प्लॉय हैं तो एक बार इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका बहुत सा टाइम जो है इसमें बच जाएगा। आपको सिर्फ इनपुट में बिल्टी की एंट्री डालना है और बाकी सब कुछ ये ऑल डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है। आप कुछ भी देख सकते हैं, सब कुछ आपको इसके अंदर ऑटोमेटिकली मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप मेल के थ्रू इसका आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आप अपने बॉस को डेली इसकी मेल कर सकते हैं या बॉस आपको डेली मेल मंगवा सकते हैं, तो इसमें फ्रॉड भी नहीं हो सकता। और सबसे अच्छी बात ये कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो डेट जो है वो ऑटोमेटिकली लेता है। आप अपनी इच्छा से इसमें डेट नहीं डाल सकते, ये डेट ऑटोमेटिकली लेगा और आपको इसी डेट में एंट्री करना है। तो इसमें क्या है, फ्रॉड का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पर बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना मेल आईडी व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूँगा, तो आप मुझको मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए आपको सॉफ्टवेयर का डेमो शो कर देता हूँ कि वर्क कैसे करेगा। आपको पूरा मैं इसको समझा देता हूँ। ये देखिए, सॉफ्टवेयर ओपन होया हुआ है और ये सबसे मेन सीट है जो है, ये है इंट्री सीट। तो अपन सबसे पहले चलते हैं बेसिक इन्फो में। स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। पूरे सॉफ्टवेयर में जहाँ पर लाइट कलर है वहाँ पर ही आपको डाटा फिल करना है। जहाँ पर भी जैसा डार्क कलर है वहाँ पर डाटा ऑटोमेटिकली आएगा। तो आपको सिर्फ लाइट कलर में डाटा फिल करना है। तो बेसिक इन्फो में सबसे पहले आपको करना है कि मंथ सेलेक्ट करना है कि कौन से मंथ में आपको काम करना है। तो मैंने मार्च सेलेक्ट कर रखा है। ईयर सेलेक्ट कर लेना है जो एक ही बार करना है। उसके बाद में आप अपने एम्प्लॉयज़ का नाम डाल दीजिए और उनकी सैलरी डाल दीजिए। तो ऐसा करने पर आपका क्या है, सैलरी अकाउंट भी बन जाएगा कि आप सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद में दूसरा फिल करना है आपको ट्रक नंबर और उसके ओनर का नाम। तो वो इसलिए करना है ताकि वो आपको यहीं पर ही बता देगा कि कौन से ट्रक का, कौन से ओनर का कितना फ्राइट बना इस मंथ में और कितना आपने पेड कर दिया और कितना उसका पेंडिंग चल रहा है। तो जो भी आप ट्रक नंबर यहाँ लिखेंगे उसका ओनर का नाम लिखेंगे। तो ओनर का नाम इसलिए है क्योंकि केस का जो लेन देन होता है तो वो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इस व्यक्ति को इतना पैसा बाकी चल रहा है, इतना पैसा देना है। तो बेसिक इन्फो में आपको समझ में आ गया, सबसे पहले मंथ सिलेक्ट करना है, उसके बाद में ईयर जो ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा लेकिन चेंज हो तो आप चेंज कर लेना। उसके बाद आपके एम्प्लॉय का नाम, उनकी सैलरी, ये आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं चाहे तो आप मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सैलरी उनका मैनेज करना चाहे तो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रक नंबर आपको कंपलसरी यहाँ पर लिस्ट बनाना पड़ेगा और उनका ओनर का नाम। उसके बाद में अपन चलते हैं इंट्री बुक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा डाटा आपको इसी में ही फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, यहाँ लाइट कलर में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको ये फिल करनी है, जैसे ट्रक का नाम या ड्रॉप डाउन है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो कौन सा ट्रक जा रहा है और फ्रॉम कहाँ से जा रहा है, कहाँ के लिए जा रहा है और उसका फ्राइट। तो ऐसा फिल करने के बाद में देखिए, आप यहाँ से बिल्टी नंबर चालू कर सकते हैं। जैसे मैंने बिल्टी नंबर एक कर रखा है, यहाँ बिल्टी नंबर, यहाँ अमाउंट, कंसाइनर, कंसाइनी, आइटम, वजन, बुकिंग डेट, डिलीवरी डेट, पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में आप टू पे भी कर सकते हैं, पेड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पेड कर रखा है। और देखिए ये है डेट, ये डेट आएगी ऑटोमेटिकली, तो आपको उसी डेट में एंट्री करना है। जैसे मैंने 1 तारीख में, अगर 1 तारीख में कोई डाटा नहीं है तो आप 2 में करिए, 2 में है तो 3 में करिए। तो जो डेट है उसी डेट में एंट्री करना है। ऐसा नहीं कि आज 5 तारीख और आप 1 तारीख में एंट्री करेंगे, तो आपको 5 ही तारीख में एंट्री करना है। एंट्री कैसे करना है,
ये इधर बिल्टी नंबर चलेंगे, जैसे ये एक बिल्टी का पूरा डाटा हो गया, ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा एक बिल्टी का हो गया, उसी तरीके से ये दूसरी बिल्टी का हो गया, इसी तरीके से तीसरी बिल्टी का हो गया। तो आज पूरे दिन में आप कितनी बिल्टी हो, जैसे मैंने पूरे दिन में 30 बिल्टी की एंट्री कर रखी है, ठीक है, तो मुझे ये यहाँ पर बता देगा कि भी आपने 30 बिल्टी की एंट्री कर दी है, उनकी इतनी अमाउंट बनी है, और ट्रक का किराया है 15,000, तो आपको इस ट्रिप में 19,250 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो क्या आप इस डाटा में फिल करते समय आपको पता भी चल जाता है कि भैया हाँ, इस ट्रक में अपने को इतना पैसा बच रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आप समझ गए, इंट्री बुक जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इसमें आपको एंट्री करना है। एंट्री कैसे करना है, पहले डेट चेक करना है, 1 तारीख, अगर आज भी 1 तारीख है तो आप 1 तारीख में एंट्री करेंगे, अगर 1 तारीख नहीं है तो 2 में करेंगे, 2 नहीं है तो 3 में, जो भी डेट है उसी डेट में एंट्री करें। तो फ्रेंड्स, आपको मोस्टली 2 ही बुक में एंट्री करना है, एक तो एंट्री बुक और दूसरी जो है वो है केस बुक। तो एंट्री बुक में मैंने बताया दिया सिर्फ बिल्टियों की एंट्री डालना है, ये 1 बिल्टी हो गई, 2 बिल्टी हो गई, इसी तरीके से आप जितनी बिल्टियों के साथ डाल सकते हैं, यह आपका कैलकुलेशन शो कर देगा। अब चलते हैं केस बुक में। तो केस बुक में देखिए, मैंने कुछ एंट्री कर रखी है, यहाँ डेट डालना है, यहाँ अगर आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो रिसीव सेलेक्ट कर लिए, पे करना है तो पे करें, उसके बाद में बिल्टी नंबर डाल देंगे। देखिए मैं आपको एक शो कर देता हूँ, डिलीट करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पेमेंट रिसीव करना है मुझे, बिल्टी नंबर मैंने मान लो 505 डाल दिया। तो जैसे मैं बिल्टी नंबर डालूंगा, मुझे ये बता देगा कि इस बिल्टी की अमाउंट 2,000 रुपये है, और ये बिल्टी है विकास, इस पार्टी की है, ठीक है। तो मुझे मान लो कि 1,800 रुपये रिसीव हो गए, ठीक है, और 200 रुपये अगले ने नहीं दिए, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो ये बैलेंस इसका हो गया 0। इसी तरीके से केस बुक में बस 2 एंट्री करनी है, रिसीव की, जिन बिल्टियों का पेमेंट आता जाए उन बिल्टियों का पेमेंट रिसीव करते जाओ, और जिस ट्रक का आप पेमेंट करते जाओ, जैसे किसी ट्रक का आपको पेमेंट करना है तो उस ट्रक का नंबर डाल दो, तो ये बता देगा इस ट्रक का बिल्टी का जो अमाउंट है वो 60,000 रुपये बाकी है। मान लो आपने 20,000 उसको दे दिए, तो 40,000 रुपये उसका बाकी है। किसका बाकी है, इस वीरा वीरा को दिया आपने ये। तो आप दोनों में समझ गए, कैश बुक में और एंट्री बुक में, 2 में एंट्री करनी है। अब बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक मैनेज होता जाएगा। देखिए ट्रक डिटेल, डार्क कलर में तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है ये डेट है, कौन सा ट्रक कितनी तारीख को कहाँ के लिए गया है, उसका किराया कितना है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन है, या ट्रक का आप, जैसे ये ट्रक है तो इस मंथ में इसने अभी तक 3 ट्रिप की है, उसका इतना किराया है, जिसका आपको देखना है वहाँ आप यहाँ से देख सकते हो। इसने 4 ट्रिप की है, इसका 60,000 रुपया किराया है। इसके बाद में अपन चलते हैं पेमेंट स्टेटस में। तो ये आपको यहाँ बता देगा अभी तक कि कौन कौन सी बिल्टियों का पेमेंट आना बाकी है। तो आप यहाँ से वो पार्टी को कॉल कर सकते हो कि भाई इन पार्टी का बिल्टी का पेमेंट आना बाकी, ये डिटेल अपने आप बनती जाएगी जब तक आप केस रिसीव नहीं करेंगे जिन बिल्टियों का पेमेंट, तो बाकी की यहाँ शो करती जाएगी। उसके बाद में चलते हैं ऑल डिटेल। तो ऑल डिटेल में सब डाटा आपका एक से बन जाएगा, जो जो आपने एंट्री कर रखी थी, कि मैंने अभी तक 501 से। और इसमें खास बात यह है कि अगर आप किसी बिल्टी की एक ही बिल्टी नंबर का अगर 2 बार एंट्री कर देंगे तो वो भी इसमें आपको पता चल जाएगा। चलिए अपन एंट्री बुक में चलते हैं, और मान लो मैंने 501 की एंट्री की, फिर वापस 501 की एंट्री कर दी, ठीक है, तो ऑल डिटेल चेक करिए, तो ये देखिए रेड कलर में हो जाएगा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अच्छा एक बिल्टी की आपने 2 बार एंट्री कर। तो चलिए इसको वापस ठीक कर देते हैं, एक बार 502 नंबर बिल्टी, ठीक है। आप अगर बिल्टी की, तो एक ही बिल्टी की 2 बार कर देंगे तो आपको ये शो कर देगा कि भाई आपने गलत बिल्टी का एंट्री नंबर डाला है। तो ओल्ड डिटेल में आप जो भी यहाँ चेक कर सकते हो, कंसाइनर वाइज चेक करना हो, कंसाइनी वाइज चेक करना हो, आइटम वाइज चेक करना हो, पेमेंट मोड वाइज चेक करना हो, या किसका बैलेंस बाकी है उससे भी चेक कर सकते हो, बिल्टी नंबर से भी चेक कर सकते हो। उसके बाद में एक मैंने ऑप्शन दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस,
तो आप यहाँ पर आपके ऑफिस के जो जनरल खर्चे हैं वो भी डाल सकते हो। यहाँ डेट डाल दो, आपने क्या खर्चा किया हुआ है वो डाल दो, और यहाँ कुछ भी जो भी है उसकी डिटेल डाल दो, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी है, तो ये आपको अपने आप बता देगा कि आपने इस महीने में सब कुछ काट पीट कर कितना कमाया है। जैसे बिल्टी से आपने कितना पैसा रिसीव किया, ट्रक वाले को आपने कितना किराया चुकाया है, ऑफिस का आपने कितना खर्चा किया है, और सैलरी आपने कितनी दी अभी तक। अपने सैलरी वाला आपको नहीं बताया मैंने, सैलरी आपको बताने वाला हूँ, और ये आपको प्रॉफिट शो कर देगा। उसके बाद में अपन चलते हैं बेसिक में, और सैलरी आपको बता देता हूँ। ये रही सैलरी बुक। तो सैलरी बुक में आपको क्या क्या करना है, आइटम जो एम्प्लॉय के नेम है वो सिलेक्ट करना है, कौन सा एम्प्लॉय है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, विजय, विजय देखिए, अगर दो बार आप सिलेक्ट कर लेंगे तो बता देगा, तो अनिल कर लेते हैं, ठीक है। तो उसकी सैलरी बता देगा कौन सा महीना, ये अपने आप आ जाएगा। आपको सिर्फ वर्किंग डेज डालना, कितने दिन अगले ने काम किया, ठीक है, तो उसकी नेट सैलरी आ जाएगी। उसके बाद में अगर कुछ एडवांस अगर वो लेता है तो आप उसकी एंट्री यहाँ डाल सकते हो, और उसके बाद में उसकी नेट पेबल आ जाएगी कि कितना एडवांस लेने के बाद इतना है, तो आप यहाँ पर उसकी पेड अमाउंट डाल सकते हो। इसका अपने पेमेंट पेड कर दिया तो उसका जीरो बैलेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, और आसानी से पूरा डाटा जो है अपने आप मैनेज हो जाता है। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है कि बिल्टी की एंट्री डालना है, ताकि आप भविष्य में भी कोई डाटा देखना हो तो आपको बिल्टियाँ खोजने की ज़रूरत नहीं है कि कितना पेमेंट था, किस पार्टी का था, कहाँ के लिए गया था, कहाँ के लिए आया था, टू पे था, पेड था, तो वो सब डाटा जो है वो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सभी सीटें हैं, बेसिक इन्फो आपको बताई दी। बेसिक इन्फो में सिर्फ आपको एम्प्लॉय के नाम, सैलरी, ट्रक नंबर, ओनर का नाम डालना है। यहाँ आप कभी भी देख सकते हो उनका कितना किराया, कितना दे दिया आपने, कितना पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं केस बुक, बता दी इसमें केस रिसीव करना है बिल्टियों से, और पेमेंट ट्रक वाले को करना है, ये दिखा दिया आपको, ये देखिए। इसके बाद में ऑल डिटेल, कुछ भी अगर आपको देखना हो ऑल डिटेल में तो आप यहाँ से देख सकते हो, ट्रक डिटेल, ट्रक डिटेल देख सकते हो, पेमेंट स्टेटस देख सकते हो। और इसके अलावा कोई अगर ऑफिस का एक्सपेंस है, ऑफिस का एक्सपेंस कर लो, और प्रॉफिट एंड लॉस देखना तो प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हो। आपको बस एंट्री दो ही बुक में करनी है, एंट्री बुक जहाँ पर बिल्टीज की एंट्रीज होगी बस, ठीक है। जैसे आज का कोई ट्रक लगा, बिल्टी नंबर में डालता गया, एंट्री करता गया, यहाँ मेरे को पता भी चल रहा है कि भाई अच्छा इस ट्रक में भी इतना ही माल डला है, यहाँ अमाउंट आती जाएगी भी 34,000 का डला है और 19,000 ही बच रहा है, तो वो डलवाना चाहे तो आप उसमें डलवा भी सकते हैं। और दूसरी जो है केस बुक, तो केस बुक का भी आपको बता दिया, रिसीव और पेमेंट की एंट्री करना है। जब आप यहाँ रिसीव सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको बिल्टी नंबर डालना है कि ट्रक नंबर, जैसे 510, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ जीरो हो जाएगा, तो अब यहाँ, अब आपको यहाँ पर ट्रक नंबर डालना है, ठीक है, बस इतना सिंपल है। और इसमें ओपनिंग बैलेंस भी अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, इधर टोटल रिसीव बता देगा आपको, टोटल पेमेंट बता देगा, क्लोजिंग क्या आपका वो भी बता देगा। तो आप इसमें देखिए सैलरी मैनेज कर सकते हो, ऑल डेटा का भी देख सकते हो, ट्रक डिटेल देख सकते हो, पेमेंट स्टेटस देख सकते हो, ऑफिस एक्सपेंस अपना डाल सकते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, और आपका बहुत सा टाइम इससे बच जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो वीडियो के एंड में मैं अपना मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल दूंगा, आप मुझे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ये सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए चलेगा, तो बार बार में इसको अपडेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अपडेशन आएगी तो मेरे चैनल से आपको पता चल जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो मैं आपको अपडेट वर्जन भी भेज दूंगा।